अगर आप जैसे लोगों के सामने तो मेरे लफ्जों में भी ध्यान आ जाए, महफिल को मुकाम तक पहुंचाने वाले आप लोगों के चार पंक्तियां हो सके तो इन पंक्तियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करो। ऐसे कोशिश करो ऐसे कि जीत कोई भी हो, कोशिश करो ऐसे कि खेल कोई भी हो पर जीत आपकी हो, कोशिश करो ऐसे कि खेल कोई भी हो पर जीत आपकी हो, मदद करो ऐसे कि जीते कोई और, मदद करो ऐसे कि जीते कोई और पर जीत आपकी हो। दोस्तों अगर आप
किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप साल अगर जीतते आए हो लेकिन आप उन महज परीक्षा के 3 घंटों में अपने आपने धैर्य खो दिया ना, तो आप साल अगर जीत कर उस मोमेंट पर हार गए। उसके साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ था, उसने क्वेश्चन पेपर खोला तो शुरू के 10 सवालों में 7 सवालों में उसको जवाब देने से मना कर दिया। उस मोमेंट पर ही हार गया था वो, उस मोमेंट पर बिखर गया था। जैसे तैसे उसने खुद को समेटा, घर पहुंचा तो पापा ने पूछा मेरा पेपर कैसा गया। उसने जवाब दिया, पापा जैसे हम लोग तभी देते हैं एग्जाम देने पर ठीक है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार तो नहीं था उसे, लेकिन रिजल्ट तो आना ही था और आ ही गया। रिजल्ट आया, उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी पापा को बताने की कुछ, लेकिन पापा ने पूछ ही लिया कि बेटा रिजल्ट कैसा रहा। बेटा बोला, पापा इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मुश्किल ही शायद कोई कॉलेज नहीं पाए। धीरे धीरे दिन मासूमी मायूस में गुजर रहे थे कि पापा के अचानक से फिर एक आए और क्वेश्चन ने फिर से घेर लिया, बेटा अब क्या करना है। बेटा फिर से बोला, इंजीनियरिंग का कीड़ा अभी निकला नहीं था, वो सोच रहा था कि मेरे पास एक अटेम्प्ट और है, मैं इस अटेम्प्ट को यूज करना चाहूँगा ताकि जिंदगी में कभी मुझे अफसोस ना हो कि मेरे पास एक मौका और था, अगर मैं उसको भुना देता ना तो मेरी जिंदगी कहीं और होती। उसने वैसा ही किया, जवाब पहुँच गए कोटा। इस बार उन्होंने सोचा इस बार कोई नॉर्मल सी कोचिंग में एडमिशन लेकर एक साल अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए तो काम कर जाए। उन्होंने वैसा ही किया, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से दिवाली की छुट्टियों के बाद उसकी जिंदगी का एक करारा झटका लगा कि जिस कोचिंग में वो पढ़ता था उस कोचिंग में उसका साथ छोड़ गया और सारी फैकल्टी जो कोचिंग में पढ़ाती थी उस कोचिंग से रिश्ता डाल गया, जिंदगी में फिर उसे बैकफुट पर लाकर खड़ा कर। दोस्तों हमें इस परिस्थिति में हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम फल खरीदने जाते हैं ना तो हर एक फल को देख कर परखनी तराजू पर रखते हैं ताकि कोई खराब नहीं निकल। वैसे ही ईश्वर हमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से पहले हमको हर तरीके से परख लेना चाहते हैं, हर तरीके से मजबूत बना लेना चाहते हैं ताकि अगर जिंदगी में अगर आगे कोई आपको जिम्मेदारी सौंपी जाए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर सकें। आपको हारना नहीं चाहिए। जैसे जैसे खुद को समेटा और एग्जाम तो आ ही गया था और देना ही था, तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन एग्जाम दे दिया उसने, परिणाम की ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, टूट चुका था। इस बार कोटा से एग्जाम सेंटर उसका कोटा से नज़दीक ही था, वापस से फिर से कोटा आया। जब वो कोटा आया उसका मन डोल रहा था और कुछ गलत करने को बोल रहा था, लेकिन दोस्तों ने उसे संभाल लिया। दोस्त ना हम सभी को ईश्वर का दिया एक ऐसा अनोखा उपहार है। दोस्त हम सभी को दिया हुआ ईश्वर का एक ऐसा अनोखा उपहार जिससे हमारा खून का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन एक फिर भी कभी पिता बनकर हमको डांट देते हैं तो कभी भाई बनकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और इन परिस्थितियों में दोस्ती का रिश्ता सभी रिश्तों पर भारी पड़ता है। घर पे आ गए सामान पैक करके, इन मायूसी से गुजर रहे थे। तारीख 30 अप्रैल 2015। इस दिन उसके कजिन सिस्टर की शादी थी और उसी दिन रिजल्ट भी आना था। रिजल्ट तो आ गया, उसने देख लिया था। सभी लोग शादी में जश्न मना रहे थे। वो उसी शादी के टेंट के पीछे टेंट के कपड़े से अपने आंसू पोंछ रहा था, खुद को मना रहा कि आज मैं फिर हार। शादी का समारोह संपन्न हुआ, वो घर पहुंचा तो कुर्सी आंगन में कुर्सी पर बैठा हुआ था तो पापा ने पूछ ही लिया, बेटा कैसा रहा परिणाम इस बार। उसने मुझसे जवाब नहीं, आंखों से आंसू निकले। वो अंदर जाकर जोर जोर से चीख चीख कर बैठू में रोने लगा, लेकिन अचानक से आई एक आवाज़ उसके आंसुओं को थाम दिया। वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसकी माँ की थी। बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ और ही होता है। बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ और ही होता है। उस दिन के बाद फिर उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। खैर 2-4 दिन फिर गुजरे और अचानक से पापा के वही सवाल ने फिर से उसको घेर लिया, तो बेटा अब क्या करना है। लेकिन इस बार उसको कोई जवाब नहीं। वो इतना अच्छा तो पेपर गया था कि उसको एक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चौथे साल में पढ़ रहा था। कुछ ही दिन पहले जो क्वेश्चन उसके पापा पूछा करते थे वो क्वेश्चन मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया। वो क्वेश्चन मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया कि
यार तेरी इंजीनियर तो हो गई, अब तुझे क्या करना है। तो उसने पहली बार दिमाग मेरी दिल से लगा, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ। उसको पहली बार अपनी जिंदगी में उसकी खुद से मुलाकात हुई, पहली बार उसकी जिंदगी में उससे खुद से मुलाकात हुई। वो हारा हुआ लड़का जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो था, और जब तक इस आंसू चलेंगे तब तक रहेगा, कि वो हारा हुआ लड़का धीरे धीरे नजर कब पड़ा होगा, कि वो हारा हुआ लड़का धीरे धीरे नजर कब पड़ा हो गया। किस्मत तो देखो उस लड़के की, वो आज आप सभी के सामने आकर खड़ा हो गया। बेस्ट फ्रेंड बना लो ना, तो आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओ। जब भी आप अपनी जिंदगी में डिप्रेशन में जाओ, तनाव में जाओ, हारा हो महसूस हो, तो कभी ना कभी आपके माता पिता ने आपको कुछ ऐसा बोला होगा जो आपको दिल को घर कर गया होगा, या दिल के बहुत करीब से गुजरा होगा। उस मोमेंट पर आप उस बात को याद करोगे, आप जिंदगी में फिर से रिवाइव करोगे।